तो दोस्तों, अगर आपने अपने घर पे, ऑफिस पे या दुकान पे इस टाइप का आउटडोर वाईफाई सीसीटीवी कैमरास या फिर 4G आउटडोर सीसीटीवी कैमरास लगा कर रखा है तो बढ़िया है, आपका घर, आपका दुकान, आपका ऑफिस सिक्योर है। लेकिन जब पावर कट होता है तब क्या होता है? तब आपने जितना भी कैमरास लगाया है सभी ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनके अंदर कोई भी बैटरी नहीं होता है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीसीटीवी कैमरा का एक UPS। जी हाँ, इसको आप आउटडोर सीसीटीवी कैमरास में लगा सकते हैं। तो अगर पावर कट होता है तब भी इसमें से कैमरास को पावर मिलता रहेगा। एक्चुअली ये सीसीटीवी कैमरा UPS नहीं है, ये वाईफाई राउटर का UPS है। लेकिन इनको मैं यूज़ करता हूँ एज ए सीसीटीवी कैमरा UPS, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का है और इसमें से जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का। और जो आउटडोर कैमराज होते हैं उनको भी पावर चाहिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं आउटडोर सीसीटीवी कैमराज में। और ये जो सीसीटीवी कैमरा का UPS है, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये कैमरा से भी सस्ता है। इसका प्राइस है 999 रुपीज़। तो अगर आपको ये वाला UPS खरीदना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लीजिए और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे सीसीटीवी कैमरास में, वो सब देख लीजिए। तो ये है क्यूबो मिनी UPS प्लस, और जो कंपनी है उसका नाम है क्यूबो, जो हीरो कंपनी का ही एक ब्रांड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, और इसमें आपको 12 मंथ्स का वारंटी मिलेगा। यहाँ पे पूरा सील किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 4 आवर्स पावर बैकअप मिलेगा। ये मुझे सबसे अफोर्डेबल लगा, और भी मिनी UPS मिलते हैं लेकिन वो सब ब्रांडेड नहीं था, और उनका जो बॉक्स पैकेजिंग है वो भी बहुत ही खराब था। लेकिन इसका देखिए, इसका बॉक्स पैकेजिंग देखिए कितना अच्छा है और सील के साथ आया है। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये बॉक्स मोबाइल का बॉक्स जैसा है, ऐसा निकालना पड़ता है। तो ये निकल चुका है। तो सबसे ऊपर मिला है ये वाला, हो गया यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। उसके बाद वेलकम टू क्यूबो फैमिली कार्ड, और ये वाला है उनका प्रोडक्ट का कैटलॉग है, मतलब हीरो का जो क्यूबो कंपनी है वो सब दिया गया है। जैसे कि हो गया क्यूबो का डेस्क कैम, ये सब हो गया सीसीटीवी कैमरास, और ये वाला हो गया मिनी UPS। तो इसी को मैंने खरीदा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये हो गया मिनी UPS, मतलब आप इसको पावर बैंक भी बोल सकते हैं। यूजुअली जो पावर बैंक्स होते हैं वो 5 वोल्ट का होता है, लेकिन ये वाला है 12 वोल्ट का पावर बैंक। तो ये जो मिनी UPS है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एकदम प्रोफेशनल है, क्योंकि ये जो ब्रांड है क्यूबो, ये एक अच्छा ब्रांड है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। उसके बाद देखते हैं बॉक्स में क्या है। वायर्स बिगड़ा है, कनेक्टर्स बिगड़ा है, और एक स्क्रू भी मिला है, क्योंकि इसको आप वॉल पे टांग भी सकते हैं। तो बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो जो जरूरी है ये वाला UPS और ये पावर केबल्स। तो चलिए पावर केबल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 पावर केबल मिलेगा अलग अलग साइज का, तो इनको लगाना पड़ेगा आपको UPS में। तो UPS में यहाँ पे देखिए, ये वाला हो गया इनपुट, ये वाला आउटपुट, और यहाँ पे इस साइड में एक स्विच है ऑन ऑफ का। तो इस UPS का जो ये वाला इनपुट है, वहाँ पे आपको ऐसा अडेप्टर लगाना पड़ेगा 12 वोल्ट का। ये वाईफाई राउटर नहीं तो सीसीटीवी कैमरास के साथ ही आते हैं, तो इससे आप इस UPS को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इन पे इसको डाल लेते हैं। इसके बाद ये वाला जो अडेप्टर है, इसको आपको स्विच बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। इसको ऑन करेंगे तो देखिए अभी ये चार्ज हो रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कैमरास को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो 3 वायर्स मिले थे उसमें से लेंगे, जिनमें दोनों साइड पे पीला पीला है, तो इसको लेंगे, बाकी दोनों का जरूरत नहीं है। तो इनमें से एक हिस्सा लगाएंगे इसके आउटपुट में, तो ये वाला हो गया आउटपुट। उसके बाद सीसीटीवी कैमरास में जो एडाप्टर मिलता है, तो इसको लगाएंगे एक स्विच बोर्ड में, तो लगा दिया है, और इस एडाप्टर का ये वाला आउटपुट जाएगा मिनी UPS का इनपुट में। तो अभी क्या होगा, इस एडाप्टर से ये वाला UPS चार्ज होता रहेगा और इस UPS से पावर मिलेगा कैमरा को। तो ये वाला हिस्सा जाएगा कैमरा पे। उसके लिए मैंने ये वाला एक आउटडोर वाईफाई सीसीटीवी कैमरा लिया है। ये वाला हो गया पावर इनपुट। तो चलिए UPS का आउटपुट को लगाते हैं यहाँ पे। तो अभी सेटअप रेडी है। अभी इसको ऑन करने से जो पावर है वो UPS से होते हुए सीसीटीवी कैमरास में जाएंगे, और जो कि UPS में बैटरी है तो बैटरी भी चार्ज होता रहेगा, और जब पावर कट होगा तो UPS से डायरेक्टली कैमरा पे पावर मिलता रहेगा। तो चलिए ऑन करके देखते हैं। तो ये वाला ऑन हो गया है और इसमें से पावर जा रहा है UPS में। UPS का लाइट जलना शुरू हो गया है, लेकिन UPS में भी एक स्विच है ऑन ऑफ का, इसको भी ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, अभी पावर जा रहा है सीसीटीवी कैमरा पे। ये देखिए यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो गया है। तो एकदम सिंपल सा सेटअप है, सिर्फ बीच में एक UPS आ जाता है। तो अभी अगर मैं इस अडाप्टर को ऑफ कर देता हूँ तब भी कैमरास पे पावर जाता रहेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा कैमरा पे यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो मैंने ऑफ कर दिया है और अभी भी ये लाइट जल रहा है, तो मतलब कैमरा पे अभी भी पावर जा रहा है। चाहे मैं इसको निकाल दूँ फिर भी कैमरा पे अभी पावर है।
तो एक्चुअली ये बन गया है एक पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरा। तो अगर आपके घर पे वाईफाई सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ है, आउटडोर कैमरास 12 वोल्ट वाला, तो आप ये वाला मिनी यूपीएस ले सकते हैं। तो अगर आपको ये लेना है, इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का प्रोडक्ट काम का लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.